से ज्यादा बोला नहीं जाता, कहीं कहीं अटक जाता है, वो भी शीशा। लेकिन निश्चित रूप से राकेश जी की बात को पुरजोर समर्थन करता हूं। हमारे बीच में एक ऐसा जाबाज व्यक्तित्व बैठा है कि मेरी डिक्शनरी में भी उसको संबोधित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो ऐसा पराजय व्यक्तित्व बलदोटा जी। कारपोरेट सोच, गहरी सूझबूझ का धनी और तेरी मेरी के वातावरण से एकदम ऊपर संवेदनशीलता के बहुत गहराई में जाके समस्या का निदान खोजने के प्रति अदम्य इच्छा रखने वाला हमारा अपना नया एक सुयोग्य अध्यक्ष। कि अगर आप बबुल मनाओगे तो निश्चित रूप से आम नहीं मिल सकता, और अगर आप किसी को घनघोर जहर पिलाओगे तो अमृत के स्वभाव की कल्पना नहीं कर सकते। आज मैं मेरे दिल के अंतर मन से और आप सब लोगों के शुभेच्छाओं से, सबकी दुआओं से, सबके आशीर्वाद से, हमने एक ऐसे क्षण को जी लिया है कि लास्ट 2500 साल के इतिहास में वो क्षण नहीं आया। भगवान आदिनाथ से लगाकर के भगवान महावीर तक 78 साल के कालखंड में, और उसके पश्चात इस कालखंड में एकमात्र समन संस्कृति एक सी रही, कोई विशेष परिवर्तन नहीं था। कोई भी आगम और शास्त्र के जानकार कभी भी उसे अलग ढंग से निरूपित नहीं करते। लेकिन उसके बाद अहम और स्वार्थों ने इतना बुरी तरह से हमको बांट दिया, इतने टुकड़े कर दिए कि इन टुकड़ों में से कहने का ही डर हो गया कि कौन जैन है, ये जैन है या ये जैन है। सबका अपना अपना दंभ था। इस संपूर्ण परिस्थिति में से ये एक तेज निकला है, और वो क्षण जिसके बारे में मैंने चार शब्द बोले थे, वो शब्द आप सब लोगों ने जिए हैं। मैं आप सबको मेरे दिल से, मन से, भावों से, दिल के तारों से बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आने वाली एक पीढ़ी, संपूर्ण जैन समाज की पीढ़ी, इस आलोक के सवेरे से, इस स्फूर्तिमय उमंगों से सरोबार होगी कि किसी भी मंच पे जाकर के कोई भी व्यक्ति अब ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं जीतों में क्यों नहीं जाऊं। मेरी समझ से उसके पूरे बुद्धि बल से, पूरे चातुर्य से, पूरे उसके कौशल से वो एक प्रश्न नहीं आ सकता कि मैं जीतों में क्यों नहीं जाऊं। हमारे पास वो सक्षम उत्तर है। कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई बात, सबको जीतों में आना है। सबको जीतो है, हमारा सबका जीतो है। मैं आप सबकी इन सबकी भावनाओं को लेकर के सबके साथ के वर्ड बोलना चाहूंगा। बंधुओं, हम हवाओं के रूप को मोड़ना जानते हैं।